बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑप्टिकल एक्टिविटी पार्ट टू। इससे पहले हम पार्ट वन में ये टॉपिक सारे डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो शुरू करेंगे, जिसमें ये शामिल हैं स्पेसिफिक रोटेशन, मोलर रोटेशन, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं और मीजो कंपाउंड क्या है। यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन की वजाहत की गई है। व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? ये चीज जो है ये कंपाउंड्स की रोटेटरी पावर को कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रोटेटरी पावर ऑफ सब्सटेंसेस द फैक्टर्स, ये वाले चार फैक्टर हैं, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, टेम्परेचर और उसकी कंसंट्रेशन और सैंपल की जो लेंथ है, they are kept constant and the results are expressed in the terms of specific rotation. So, ye iski equation hai. Ye alpha degree of rotation hai at fixed wavelength and temperature. Aur ye alpha jo hai wo degree of rotation hai uski jo jitne degree plane of light jo hai rotate hui hai. L jo hai ye length of the sample tube hai aur C uski concentration hai. तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? इट इज द रोटेशन इज द ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन इज द ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड पाथ लेंथ ऑफ 1 मीटर फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। नॉर्मली डी लाइन ऑफ सोडियम इज यूज्ड। तो इस कंसंट्रेशन पर, यानी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की कंसंट्रेशन हो सोल्यूशन की, यानी सैंपल की, और पाथ लेंथ जो है उसकी वो सैंपल की वो 1 मीटर रखी जाए, तो फिर इस यानी कंडीशंस पर जितने एंगल ऑफ रोटेशन हो, जितने डिग्री लाइट ने रोटेट किया हो, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की और उनकी यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन दी गई है। डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी मैनोज, डी जाइलोज, इस तरह ये सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर, डी फ्रुक्टोज, एल रेबिनोज, डी रेबिनोज, लैक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रिन। ये रेफरेंस जो डी का शुरू में लगाया गया ना, ये उनकी जो स्पेस में जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स की, जिस तरह पीछे अभी स्लाइडों में आपने अभी इलेक्ट्रिक एसिड का देखा था, उसमें सेंट्रल कार्बन के साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हुए थे, तो उसमें जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं वो किस तरतीब से लगे हों, उसको ये लफ्ज़ जाहिर करते हैं डी और एल। तो ये लफ्ज़ जो है ये इसे जाहिर करने के लिए होते हैं कि हाउ द ग्रुप्स आर अरेंज विद द सेंट्रल कायरल कार्बन। कायरल कार्बन अभी हमें आगे पढ़ना है कि ये वो कार्बन होती है जिसमें जिसके साथ 4 ग्रुप जो है डिफरेंट लगे हुए हैं, तो उसके साथ उन ग्रुप्स की क्या तरतीब है, यानी किस तरतीब से लगे हुए हैं, उसको जाहिर करने के लिए ये लफाज इस्तेमाल होते हैं। ये एक टर्म है मोलर रोटेशन। मोलर रोटेशन जो है ये स्पेसिफिक रोटेशन को हम, जो पीछे हमने भी पढ़ी है स्पेसिफिक रोटेशन, उसको हम उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 100 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट इज नोन एज मोलर रोटेशन एट द गिवन स्पेसिफिक वेवलेंथ एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। सो मोलर रोटेशन इज स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास एंड डिवाइड बाई 100 to reduce the size of the figure. उसके बाद यहाँ पर यह वजाहत की गई है कि कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं और कौन से कंपाउंड हैं जो शो नहीं करते, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसी है कि ये हर कंपाउंड इसको शो नहीं करता। तो वो कंपाउंड जिनके मालिक्यूल एसिमेट्रिक हों, सिर्फ वही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जिनके मालिक्यूल एसिमेट्रिक नहीं है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सो एसिमेट्रिक कंपाउंड कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो कंपाउंड एसिमेट्रिक हैं वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, यानी वही ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं। अब एसिमेट्रिक कंपाउंड कौन से हैं? एसिमेट्रिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का जो मिरर इमेज है वो आपस में सुपर इम्पोजेबल ना हो। मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है, और इसी लैक्टिक एसिड में कुछ मॉलिक्यूल ये भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं, और ये दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं,
किस तरह मिरर इमेज होते हैं, जिस तरह ये देखें ये हाथ दोनों जो है मिरर इमेज है, एक ये हाथ है हमारा बायां हाथ और ये हाथ है दायां हाथ, और ये बायां हाथ जो है ये दायां हाथ का मिरर इमेज है, यानी अगर आप दायां हाथ को मिरर के सामने रखें तो इस दायां हाथ का जो इमेज नजर आ रहा होगा वो असल में आपका उसी तरह का होता है आपका दायां हाथ। तो दायां हाथ और बायां हाथ ये दोनों आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसी तरह जो कंपाउंड एसिमेट्रिक होते हैं उनके कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं जो दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं। जैसे ये दोनों हाथ जो हैं ये दोनों हाथ ही एग्जिस्ट करते हैं, बंदे के पास मौजूद होते हैं और दोनों आपस में एक मिरर इमेज है। तो इस तरह के जो एसिमेट्रिक कंपाउंड वो हैं जो जिनके मॉलिक्यूल कुछ इस तरह के भी होते हैं और उन्हीं के अंदर कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं और दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं दे आर नोन एज एसिमेट्रिक कंपाउंड, और इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये इनके अंदर इन मॉलिक्यूलों के अंदर कोई प्लेन सिमेट्री नहीं होती, यानी ये मॉलिक्यूल जो है अगर आप इसको यहाँ से काट दें अलग कर दें, ये आधा हिस्सा इसका इधर कर दें और आधा हिस्सा इसका इधर कर दें, तो ये दोनों हिस्से जो हैं ये आपस में सेम नहीं होंगे, ये हिस्सा और तरह का होगा ये हिस्सा और तरह का होगा। और दूसरा ये है कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोज करने का मतलब ये है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठाकर बिल्कुल इसके ऊपर रख देंगे तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। जिस तरह ये देखें ये हाथ जो है ये दोनों, ये इस हाथ को उठा के अपने दाएं हाथ को उठा के आप बाएं के ऊपर रखें ना तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। ये देखें इसका बाएं हाथ का अंगूठा जो है वो इस तरफ होगा, दाएं हाथ का अंगूठा इस तरफ होगा, तो इस तरह ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे, यानी ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज ए प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय एनी कंपाउंड हुज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये प्रॉपर्टी जिस कंपाउंड में होती है ना दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर ये वजाहत की गई है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन से कंपाउंड शो करते हैं, किन कंपाउंडों में ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है और किन में ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। एक तो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया कि जो कंपाउंड एसिमेट्रिक है ना वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर, अगर किसी कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद हो तो वो कंपाउंड ए कायरल होता है, वो एसिमेट्रिक होता है और वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर क्या है, ये है कायरल सेंटर, यानी हम ऐसी कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं जिस कार्बन के साथ जो चार ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्योंकि कार्बन की डेंसिटी चार होती है उसके साथ हम तो पे हमेशा चार ग्रुप ही लगे होते हैं। अगर उसका डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अलग बात है, अगर उसने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हुए हैं कार्बन ने तो फिर उसके साथ चार ग्रुप ही लगे होते हैं। तो ये देखें ये कार्बन है इसके साथ चार ग्रुप लगे हुए हैं, कौन कौन से, एक हाइड्रोजन है, दूसरा OH है, तीसरा मिथाइल है, चौथा जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये कार्बन, इस तरह की कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हों उस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन, और उस कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। तो जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होती है वो आमतौर पर वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कुछ कुछ सिर्फ चंद एक मिसालें ऐसी हैं जिनमें कायरल सेंटर तो कायरल कार्बन तो होती है लेकिन वो फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जो हम आगे एक स्लाइड आ रही है वहां पढ़ेंगे। तो ये देखें आप ये वाली कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है और कंपाउंड जो है वो एसिमेट्रिक है। अब इसी इसमें चार जो ग्रुप लगे हुए हैं ये एक तरतीब से लगे हुए हैं, और इसी कंपाउंड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनमें ये उल्ट तरतीब से लगे हुए हैं। ये देखें ये इसमें तरतीब और है और इसमें तरतीब और है, ये दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज हैं। पीछे हमने अभी देख के आए हैं अच्छी तरह, वो वहाँ पे मिरर रखा हुआ था और दोनों कंपाउंड एक दाया रखा हुआ था एक बाया रखा हुआ था, और जिस तरह ये हाथ है वहाँ पे आपने देखा एक हाथ बाया है और एक दाया है और दोनों आपस में मिरर इमेज हैं। इस तरह ये कंपाउंड जो है ये भी आपस में उसी तरह से मिरर इमेज होते हैं जिस तरह ये दोनों हाथ एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो जो कंपाउंड ये कंडीशन पूरी कर रहा हो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी वो कंपाउंड जो है वो प्लेन लाइट पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट करेगा, और जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन ये है
के मॉलिक्यूल के अंदर डिसमिट्री हो, मॉलिक्यूलर डिसमिट्री। डिसमिट्री का मतलब यही होता है कि उसमें कोई ऐसी ऐसी प्लेन ऑस्मिट्री नहीं है जिससे वो दोनों हाफ उसके मिरर इमेज हो जाएं। अब ये कंपाउंड आप देखें तो इस कंपाउंड में दो बेंजीन रिंग्स हैं और दोनों बेंजीन रिंग्स के ऊपर ये दोनों बेंजीन रिंग्स जो हैं आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कपल्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, और ये बाई फिनाइल है बेसिकली। तो बाई फिनाइल के साथ दोनों बेंजीन के ऊपर सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ब्रोमीन है यहाँ पर और इधर आयोडीन है, दूसरी बेंजीन के ऊपर भी ऐसे ही है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो अगर इस तरीके से कंपाउंड का स्ट्रक्चर इसी तरह हो जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, तो हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ पे बनाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे बाकी इसके अंदर है और ये कंपाउंड जो है ये ए सिमेट्रिक नहीं है बल्कि सिमेट्रिक है। यानी सिमेट्री का मतलब ये होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप वो इमेजिनरी लाइन किसी जगह आप ड्रा करें कंपाउंड के अंदर, तो वो कंपाउंड दो हिस्से में जब तकसीम होता है तो दोनों हिस्से आपस में अगर मिरर इमेज बन जाए तो फिर वो कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिक होता है, और अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो फिर वो कंपाउंड डिसमेट्रिक होता है। तो इस कंपाउंड के अंदर जाहिर तौर पर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे हम इस कंपाउंड को दो हिस्से में कर दें तकसीम, तो इसे अगर मिरर रखा जाए तो ये साइड उसकी इस साइड का मिरर इमेज कहलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, ये कंपाउंड असल में इस तरह होता है। यानी एक जो बेंजीन रिंग है वो अगर वर्टिकल है तो दूसरी रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, उसकी सिमत और होती है। तो इसलिए इसमें यहाँ पे कोई प्लेन नहीं बन रही ऐसी जिसमें हम इसको प्लेन रिंग अगर हम ड्रा करें तो कंपाउंड का आधा हिस्सा जो है वो दूसरे का मिरर इमेज नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये कंपाउंड डिसमेट्रिक है। लिहाजा इस कंपाउंड में भी ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो वो कंपाउंड जो है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया, फिर अभी आगे फिर समझा दूंगा कि ऐसी प्लेन होती है इमेजिनरी प्लेन जो उस कंपाउंड के अंदर हम अगर किसी जगह भी उस प्लेन को रख दें तो कंपाउंड के जो दो हिस्से हो जाएं तो वो दोनों हिस्से आपस में अगर मिरर इमेज बन जाएं तो फिर वो अगर मिरर इमेज नजर आ रहे हो तो फिर वो कंपाउंड जो है वो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो कंपाउंड कहलाएगा डिसमेट्रिक। तो मॉलिक्यूलर डिसमेट्री चाहिए कंपाउंड के एक्टिव होने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, तो मॉलिक्यूल शुड बी डिसमेट्रिक। यहाँ पर ये बताया गया कि इनेंशियमर क्या होता है। अभी जिस तरह पीछे हमने ये फिगर्स देखी थी, हमने पढ़ा था कि ये लैक्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक कार्बन है जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और कुछ इसी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं जिनमें इसी कार्बन के साथ वही चार ग्रुप लगे हुए हैं लेकिन उनकी तरतीब जो है वो जरा और तरह की होती है, जिस तरह हमारी बाएं हाथ की उंगलियों की तरतीब और है और दाएं हाथ की उंगलियों की तरतीब और है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये चारों ग्रुप जो हैं ये किसी तरतीब से मुख्तलिफ तरतीबों से लगे होते हैं। तो कोई से दो मॉलिक्यूल जिस जो आपस में जिस तरह बाया हाथ और दाया हाथ आपस में मिरर इमेज है, अगर ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं तो हम फिर इन दोनों को कहते हैं कि ये दे आर इनेंशियमर्स, और ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, और ये आइसोमर जो हैं ये ऐसे हैं जो जिनकी सेंट्रल कार्बन के इर्द गिर्द सिर्फ तरतीब का फर्क है, तो इनको हम कहते हैं कि दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। तो इनर्शियमर्स क्या हैं? दे आर मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स, मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर आर कॉल्ड इनर्शियमर्स। जिस तरह दाया हाथ बाएं हाथ के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इस तरह ये मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते बल्कि आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, सो दे आर सेड टू बी इनर्शियमर्स। और इन कार्बन इन ऐसे कंपाउंडों की ये प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर कायरल
कार्बन होती है और उनके अंदर कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर क्या होता है कि इट इज ए कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स। इसी तरह अब यहाँ पे ये तीन एग्जांपल्स दी गई हैं, इनमें ये जो जिस कार्बन के ऊपर स्टार लगा हुआ है ये कायरल कार्बन है। इस कार्बन के साथ ये एक ग्रुप इथाइल है, ये कठा एक ग्रुप है इसके साथ लगा हुआ है। तो इस तरह इसके साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है, इसी कार्बन के साथ ये ब्रोमीन है और इसी कार्बन के साथ ये मिथाइल है। लिहाजा इस कार्बन के साथ एक एच लगी हुई है, एक बी आर लगी हुई है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, इसलिए ये कार्बन जो है ये कायरल है। इसी तरह ये वाली कार्बन जो है ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके साथ एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इसके साथ हाइड्रोजन है, एक बर्मीन है और एक पूरा ये ग्रुप है जो इसके साथ अटैच है। और इसी तरह ये वाली कार्बन जो है ये भी कायरल है, इसके साथ एक पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है, ये एक हो गया, हाइड्रोजन दो, ब्रोमीन तीन और मिथाइल चार, ये चार ग्रुप हैं जो इस सी के साथ लगे हुए हैं, तो ये कार्बन भी कायरल हो गई। अब इस कंपाउंड को देखें, इसमें अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन के साथ ये दो मिथाइल है और ये दोनों चूंकि मिथाइल हैं दोनों सेम ग्रुप हो गए, लिहाजा ये कार्बन जो है ये कायरल नहीं है। इसके साथ जो चार ग्रुप लगे हुए हैं वो ये इस तरह से हैं कि दो तो मिथाइल हो गया, तीसरी हाइड्रोजन है और चौथा ये पूरा ग्रुप है CH2OH। लिहाजा ये कार्बन जो है ये इसके साथ जो चार ग्रुप लगे हुए हैं उनमें से दो मिथाइल हैं जो दोनों एक जैसे हैं, लिहाजा ये कायरल नहीं है। तो कायरल होने के लिए ये जरूरी है कि कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हों। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसमें इसके साथ एक तो पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है जिसमें तीन कार्बन है, एक कार्बन ये है, दूसरी ये दो मिथाइल है, पूरा एक ग्रुप इसको समझा जाएगा। इस सी के साथ ये एक ग्रुप मुकम्मल ये हो गया और दो इसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है, यानी एक हाइड्रोजन फिर दूसरी हाइड्रोजन फिर एक इसके साथ OH है। तो इसके साथ जो चार ग्रुप लगे हुए हैं उनमें से एक तो OH हो गया और एक पूरा ये ग्रुप हो गया और बाकी दो जो है वो दोनों हाइड्रोजन है, और दोनों ग्रुप अगर सेम लग जाए किसी कार्बन के साथ वो कायरल नहीं रहती, लिहाजा ये कार्बन भी कायरल नहीं है। तो इस तरह इस कंपाउंड के अंदर कार्बन नहीं है, लिहाजा ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, इसके कुछ आइसोमर ऐसे हैं जो इसके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये अगली साइड पे हम इसको भी पढ़ लेते हैं। फिर आगे कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ द फोर डिफरेंट ग्रुप्स अबाउट ए कायरल सेंटर, यानी कायरल कार्बन के साथ जो चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं उनकी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट क्या है। जैसे हमारे हाथ में स्पेस के अंदर उंगलियों की अरेंजमेंट है, इसी तरह कायरल कार्बन के साथ जो डिफरेंट चार ग्रुप हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है। जैसे ये कार्बन है इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप हैं, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं और इनकी एक तरतीब है, जिस तरतीब से ये लगे हुए हैं उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तरतीब आप जरा ध्यान से देखें तो इसमें ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये सॉलिड लाइन से बनाए गए हैं और ये वाला बॉन्ड जो है ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये एक वेज शेप बना हुआ है। तो ये कागज़ पे बॉन्ड्स को जाहिर करने का एक तरीका है कि वो ग्रुप जो इस यानी बोर्ड की प्लेन में हो उसको हम इस तरह की लाइन से जाहिर करते हैं, और ऐसा ग्रुप जो बिलो द प्लेन हो, प्लेन के दूसरी जानब हो यानी आपसे अवे हो, तो उसको हम ये डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, और वो ग्रुप जो अबव द प्लेन हो यानी आपकी तरफ हो तो उसको हम वेज शेप से जाहिर करते हैं, मोटा बॉन्ड बना के जाहिर करते हैं। तो इस तरह ये क्लोरीन जो है ये अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन जो है ये बिलो द प्लेन है और ब्रोमीन और फ्लोरीन जो है इसी प्लेन में ही है जिस प्लेन में ये आपको नजर आ रही है। अब इसी कंपाउंड को अगर हम ये इस तरह सॉलिड लाइनों से जाहिर करना चाहें तो हम इसको इस तरह जाहिर करते हैं कि थोड़ा सा इस फ्लोरीन को ऊपर उठाएं तो ये हाइड्रोजन जो है ये थोड़ा सा ये इस तरह हो जाएगी कि आप इसको यानी फ्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन को तो सीधी लाइन से तैयार कर लेना, इस तरह सीधी लाइन यूं लगा रहे हैं ऊपर फ्लोरीन ब्रोमीन और नीचे फ्लोरीन, और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये आपके दाई जानब आ जाएगी और जो क्लोरीन है ये बाई जानब बना देंगे। तो इस तरीके से तैयार करने को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ये क्रॉस स्ट्रक्चर होता है यूज ओनली फॉर कायरल सेंटर्स, यानी कागज़ पे यानी ये थ्री ये स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है इसको कागज़ पे जाहिर करने के लिए या बोर्ड पे जाहिर करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और इसका तरीक़ेकार ये मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से जरा देख लें, इस ब्रोमीन और फ्लोरीन को दोनों को जो सेम प्लेन में है
इसको अपने से इस थोड़ा सा रोटेट करें, यूं क्लॉकवाइज रोटेट करें इसको। क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे तो ये क्लोरीन जो है ना, ये जो अबव द प्लेन थी ये घूम के इस तरफ आ जाएगी, और जो हाइड्रोजन है ये घूम कर थोड़ा सा और आगे इधर इस तरफ आ जाएगी। तो बस इसको फिर आप जो है ना ये ऐसे नीचे और ऊपर शो कर दें, ब्रोमीन और फ्लोरीन, और जो ये टूवर्ड्स लेफ्ट हो गई ये क्लोरीन इधर लगा दें, जो टूवर्ड्स राइट रोटेट हो गया ग्रुप वो इस तरफ लगा दें। तो इस तरीके से हम ये इसको जाहिर करते हैं, इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। यहाँ पर दो तीन लफ्जों की वजाहत की गई है, ये हम पीछे भी हमने इनको अच्छी तरह पढ़ ली है। कायरल का यहाँ बताया गया, कायरल क्या होता है? कायरल कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर कायरल कार्बन हो और उसके जो मिरर इमेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। एक कायरल वो कंपाउंड है जिसमें कायरलिटी ना हो, यानी उसके जो मिरर इमेज हैं उस कंपाउंड के वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं। टेस्ट फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। जो कंपाउंड कायरल होंगे, जिन जो मॉलिक्यूल कायरल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कौन से कंपाउंड कायरल होंगे जिनमें कायरल कार्बन होगी, और कायरल कार्बन कौन सी होती है? ऐसी कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। और ये लफ्ज है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर जो है ये हमने पीछे भी पढ़ा कि कुछ कंपाउंड जो है वो डेक्सट्रो रोटेटरी हैं, कुछ कंपाउंड लीवर रोटेटरी हैं। अगर डेक्सट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी कंपाउंड्स को आप मिक्स कर रहे हैं आपस में, उनकी बराबर मोलैरिटी लेकर, इक्वी मोलर बराबर मिकदार लेकर मोलैरिटी के हिसाब से, इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियमर्स जो है दैट विल बी नोन एज रेसमिक मिक्सचर। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। डेक्सट्रो रोटेटरी कंपाउंड वो है जो टूवर्ड्स राइट रोटेट करे, लीवर रोटेटरी वो है जो टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करे। तो एक ही कंपाउंड के अंदर कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जो लीवर रोटेटरी होते हैं, कुछ मालिक्यूल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डेक्सट्रो रोटेटरी होते हैं। जो मिरर इमेज हमने पढ़े हैं ना, एक मिरर इमेज है वो एक कंपाउंड मिरर इमेज में से एक कंपाउंड जो है वो डेक्सट्रो होगा, दूसरा लीवर होगा। अगर डेक्सट्रो और लीवो जो आइसोमर्स हैं उनकी इक्वी मोलर कंसनट्रेशन लेकर उनको मिक्स कर दिया जाए, तो फिर वो जो मिक्सचर जो है ना वो ऑप्टिकली इनएक्ट हो जाता है, क्योंकि जितने यानी एक कंपाउंड ने टूवर्ड्स लीवर रोटेट किया होगा उतना ही उसको दूसरा जो है वो डेक्सट्रो टूवर्ड्स रोटेट कर देगा और ओवरऑल वो इनएक्टिव हो जाएंगे। इसलिए जो रेसमिक मिक्सचर होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और उसमें दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिक्स हुए होते हैं, एक ही कंपाउंड के दो आइसोमर मिक्स हुए होते हैं, एक लीवर रोटेटरी दूसरा डेस्ट्रोटेटरी। कंपाउंड्स विद वन कायरल सेंटर, अगर एक कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। कंपाउंड्स विदाउट कायरल सेंटर, ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर नहीं है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो सिर्फ वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जिसमें कायरल सेंटर होगा, जो कायरल कार्बन जिसके अंदर होगी। अगर एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर एक भी कार्बन नहीं है ऐसी, कोई कायरल सेंटर उसमें नहीं है, तो ऑप्टिकली जो है वो एक्टिव नहीं होगा। और वो कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, यानी जिनमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन होती हैं, तो ऐसे जो हैं दे मे आर मे नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते, इसकी वजाहत अगली स्लाइड में आती है। यहाँ पे ये कंपाउंड ऐसा यहाँ पे दिखाया गया जिसके अंदर दो कायरल कार्बन है, दो कायरल सेंटर है, एक ये कार्बन जो है ये कायरल है। ये क्यों कायरल है? इसके साथ एक ये ग्रुप हो गया हाइड्रोजन, दूसरा ये मिथाइल, तीसरा ये क्लोरीन, तीन ग्रुप हो गए, और चौथा ये सारा ग्रुप जो है ये एक चौथा ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, तीसरा चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, लिहाजा ये कार्बन जो है ये कायरल है। इसी के साथ ये एक और कार्बन है, इसके साथ भी चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, वो किस तरह? एक ये हाइड्रोजन होगी, दूसरा ये इथाइल हो गया, और तीसरा ये क्लोरीन होगी, और चौथा ये ग्रुप है सारा, ये पूरा ग्रुप जो है ये एक ग्रुप कंसिडर होगा। तो एक ग्रुप ये पूरा, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी इथाइल, चौथी क्लोरीन। तो चूंकि इस कार्बन के साथ ये चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। अब इस कंपाउंड का ये एक और मॉलिक्यूल इस तरह का है कि इसके ये इसका मिरर इमेज है, यानी इसी कंपाउंड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के हैं, कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के हैं, या दोनों आपस में आइसोमर हैं, और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। और इसी कंपाउंड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें
ये क्लोरीन जो है ये चूंकि इसमें दोनों एक तरफ क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन एक जो है वो टूवर्ड्स राइट है और दूसरी टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो इनका फर्क है। और इसी कंपाउंड में ही कुछ मालिक्यूल इस तरह के भी होंगे जिसमें क्लोरीन इस तरह लगी हुई है कि ये कंपाउंड इस कंपाउंड का बन गया मिरर इमेज। लिहाजा ये कंपाउंड तीन नंबर और चार नंबर ये आपस में मिरर इमेज है और एक और दो ये आपस में मिरर इमेज है। लिहाजा जो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं हम उनको इनर्शियमर्स कहते हैं। तो ये वन और टू आपस में इनर्शियमर हैं, थ्री और फोर आपस में इनर्शियमर हैं और है ये सारा कंपाउंड एक ही है। एक कंपाउंड के अंदर इस तरह के आइसोमर तब होते हैं जब उस कंपाउंड में कायरल कार्बन होती है। तो वन एंड टू आर इनेंशियमर्स, थ्री एंड फोर आर इनेंशियमर्स इस तरह ये। लेकिन अब ये वन और टू तो इनेंशियमर हो गया, थ्री और फोर आपस में इनेंशियमर हो गया क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज है, वन और टू भी आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब एक और तीन आपस में क्या है, एक और चार आपस में क्या है, ये इन्हें कहते हैं डायस्टेरियोमर। यानी वन एंड थ्री आर डायस्टेरियोमर्स, वन एंड फोर आर डायस्टेरियोमर्स। तो डायस्टेरियोमर्स क्या है, नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं दे आर नोन एज डायस्टेरियोमर, जो आपस में मिरर इमेज तो नहीं है लेकिन है वो एक ही कंपाउंड के आइसोमर, दे आर नोन एज डायस्टेरियोमर्स। मीजो कंपाउंड, यहाँ मीजो कंपाउंड के बारे में ये बताया गया कि एक कंपाउंड दैट हैज कायरल सेंटर्स बट इवन देन इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें कायरल कार्बन तो हैं लेकिन ये फिर भी कायरल नहीं है, कायरल कार्बन होने के बावजूद। कायरल कार्बन जिस हमने पीछे पढ़ लिया है कि वो कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, अगर वो कंपाउंड अगर वो कार्बन किसी कंपाउंड में हो तो आमतौर पर वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो कायरल होते हैं। लेकिन ये मीजो कंपाउंड ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन तो हैं लेकिन इसके बावजूद इट इज नॉट कायरल। वजह ये इसकी ये है कि इसमें ये प्लेन और सिमिट्री आ जाती है। यानी ये कार्बन इस कंपाउंड में देखें ये है 2,3 डाइब्रोमो सक्सीनिक एसिड, ये मीजो कंपाउंड है क्योंकि इसी कंपाउंड के कुछ आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो इसके अंदर एक ये कार्बन है जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये कार्बोक्सिलिक, दूसरा ये हाइड्रोजन, तीसरी ये ब्रोमीन और चौथा ये पूरा ग्रुप। ये चूंकि सारा इतना ग्रुप जो है ये एक ही जगह से अटैच है इसलिए इसको एक ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। तो इस कार्बन इस कंपाउंड के अंदर ये दोनों जो ब्रोमो ग्रुप्स हैं ये एक साइड पर हैं और अगर हम यहाँ पे इसकी प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन यहाँ पे रखें तो इसका एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से का यहाँ पर अब ये मिरर इमेज है, ये वाला हिस्सा जो है इसके दूसरे हिस्से का मिरर इमेज है। लिहाजा ये इसकी एक प्लेन ऐसी है इस कंपाउंड के अंदर कि जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है ये इसका एक हिस्सा दूसरे का मिरर इमेज बन गया। लिहाजा जिस कंपाउंड में भी इस तरह की प्लेन और सिमेट्री आ जाए और वो प्लेन और सिमेट्री वो ऐसी प्लेन होती है जिस की वजह से जब उस कंपाउंड के दो हिस्से हो जाते हैं तो वो एक हिस्सा दूसरे का मिरर इमेज आ जाता है। सो इन दिस वे दिस कंपाउंड हैज ऑब्टेंड ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, लिहाजा ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इसी तरह का ये कंपाउंड है जिसमें ब्रोमो की जगह पर दो क्लोरो ग्रुप्स हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह पर यहाँ मिथाइल है, इसमें भी दो कायरल कार्बन है और इन दो कायरल कार्बन की वजह से इस कंपाउंड के कुछ आइसोमर ऐसे हैं जो मीजो कंपाउंड कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें कि उसी कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर है जो ऊपर ये वाला बताया गया है, इसमें दो क्लोरीन दोनों एक साइड पर हैं और इसी तरह का एक ये इसका आइसोमर है जिसमें दोनों क्लोरीन एक साइड पर हैं लेकिन ये इसकी तरतीब और से है और ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। और इसी तरह ये कंपाउंड जो है ये इसमें क्लोरीन मुखालिफ सिमतों में है, ट्रांस सूरत हाल में है, ये दीज आर ट्रांस टू ईच अदर और इसका ये मिरर इमेज है। तो ये दो और तीन नंबर ये आपस में इनेंशियमर हैं, टू और थ्री, और वन और ये वाला कंपाउंड जो है ये आपस में मिरर इमेज तो हैं लेकिन इनके अंदर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इनमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इधर जिस तरह यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसी तरह इनका इस कंपाउंड में भी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लिहाजा ये कंपाउंड जो है ये मीजो कंपाउंड कहलाएगा ये, और टू और थ्री जो है ये आपस में इनेंशियमर है।